हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शॉपिंग के बारे में बात करेंगे, विंटर्स की शॉपिंग बच्चों के लिए। जब विंटर्स आते हैं, कोई भी सीज़न चेंज होता है, तो हमें बच्चों के लिए बहुत सारा स्टेप चाहिए होता है। ऑलरेडी सबके पास ही होता है, सब मम्मीज अपने बच्चों के लिए, मम्मी चाहिए अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदते ही रहते हैं, तो हम भी खरीदते हैं। एंड इस बार अभी विंटर्स जैसे थे, तो हमने सोचा कि विंटर्स आ रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ली, हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ली थी, बट कुछ अभी जो रीसेंट था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट हमने लिया था कि आज के लिए ये टी शर्ट है, ये फुल स्लीव्स की है डुअल कलर के साथ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इस पर कलर्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमने कलर, ये कॉटन की है तो बहुत सॉफ्ट है स्किन पे। ये हमने ली थी जब अभी लाइट विंटर्स आएंगे तो हम उसमें उसको ये वेयर कराएंगे। और दूसरा हमने लिया था ये इनर सेट, थर्मल सेट लिया था हमने। ऐसे हमने दो तीन लिए थे अलग अलग कलर के कपड़ों के अंदर पहनाने के लिए, जो बहुत ही बच्चों के लिए सही अच्छे रहते हैं। दूसरा हमने ये स्वेट शर्ट ली थी, बहुत ही अच्छी है, ये क्रिसमस शेप में थी। ये स्वेट शर्ट हमने ली जो अंदर से बहुत वार्म है, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये ऐसे वाले स्टफ में ये बहुत वार्म है, अंदर से बहुत वार्म लगती है बच्चे को। ये हमने ली थी, ग्रे कलर है, ग्रे कलर उसको बहुत अच्छा लगता है, हमने इसलिए ग्रे कलर की ली थी। नेक्स्ट हमने कुछ कैप्स ली थी, लाइक हमने एक ये भी कैप ली थी, इस पर बी लिखा है, बी स्टैंड फॉर बेबी, बिकॉज वो भी अपने मुँह से बेबी बेबी बोलता रहता है बहुत हर बच्चों को देख कर। हमने ये उसके लिए ली थी येलो, एंड एक और येलो ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इस पर ये बने हुए थे मल्टी कलर और मिक्की बना हुआ, तो ये ली थी हमने उसके लिए। थर्ड कैप हमने ये ली थी, ये अगर आप देख सकते हो इस पर टेडी बेयर बना हुआ है, टेडी बेयर स्टैंड्स, लाइक टेडी बेयर उसको बहुत पसंद है, तो टेडी बेयर से यहाँ पर हनी जार बना हुआ है, ये हनी जार बना हुआ है, यहाँ से बटरफ्लाई जा रही है उसको, बटरफ्लाई बीज है ये जो नेक्टर या हनी हनी कलेक्ट करती है, तो ये बहुत वार्म है, ये वूलन कैप है बेसिकली, ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है। तो ये हमें ली थी हार्श विंटर्स के लिए, जब उसके पास वो बाहर जाए तो वो जैकेट्स के अंदर, अगर जैकेट्स में भी कैप है तब भी हम उसको पहनाते हैं ताकि ये कवर रहे ठंड से। और इसके बाद हमने डेनिम्स भी ली थी, जिसमें से ये हमारी रीसेंट डेनिम है जो हमने ली थी उसके लिए, ऑलदोई थोड़ी सी अभी उसको बढ़ी है तो अभी कमिंग उसमें मंथ में पहना लेंगे उसको, ब्लू डेनिम, ऑलरेडी डेनिम्स हैं उसके पास, और हमने थोड़ा सा डार्क शेड भी परचेज किया था उसके लिए डेनिम्स का। नेक्स्ट हमने उसके लिए एक और स्वेट शर्ट ली थी, ये ब्लू स्वेट शर्ट, ये भी बहुत वार्म है, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, अगर आप इसका मटेरियल एक बार अगर, ये बहुत सॉफ्ट है अंदर से और यहाँ पर 3D प्रिंट बना हुआ है, वेलवेटी 3D प्रिंट बना हुआ है ये स्वेट शर्ट, हमने परचेज की थी अंदर पहनने के लिए, फॉर्म में पहनने के लिए। एक हमने परचेज किया उसके लिए ये हुडी, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत लाइट कलर है, उस पर ऐसे लाइट कलर्स ग्रे शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो हमने ये लाइट कलर की ली थी, इसमें कैप भी है, ये उसने एक बार पहनी भी है, तो ये हमने विंटर्स के लिए ली थी उसके। दिस प्रिंट इज रियली रियली नाइस, कफ ऊपर से बहुत सॉफ्ट है, अंदर से और भी ज़्यादा सॉफ्ट है, बिकॉज मैं जो भी आज के लिए क्लोथ्स लेती हूँ आई प्रेफर कि वो बहुत सॉफ्ट हो उसकी स्किन पे, उसको इरिटेशन या प्रॉब्लम ना हो, सो ये हमने बहुत किया था। रेस्ट मैंने कुछ लोअर्स लिए थे, तो ऐसे तो बहुत सारे लोअर्स लिए हैं पर कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनीज है, बनीज उसको अगेन बहुत पसंद है, तो ये बनीज बने हुए हैं इसके ऊपर, ये लिए थे, एक लोअर लिया था, एक अगेन ये टेडी बेयर बना हुआ है, उसको भी बनी कहता है, इट्स सो सॉफ्ट मटेरियल, उसको ये उसका ऑल टाइम फेवरेट है, मतलब कितनी बार ऐसा होता है जब वॉश नहीं तो तभी वो पहनना चाहता, तो मुझे बहुत ही मुश्किल से उसको कन्विंस करना पड़ता है, तो ये टेडी बेयर वाला, ये बहुत बहुत सॉफ्ट है। और एक ही थर्ड लोअर, इस तरह के हमने और भी लोअर्स लिए, ये वैसे तो बहुत सिंपल है दिखने में, तो घर पहनने के लिए हमने लिया था स्टार्ट के लिए, बहुत क्योंकि ये बहुत वार्म सा स्टफ है, ये इस तरह का, ये बहुत वार्म है अंदर से और बाहर से भी, क्योंकि ये वूलन क्लोथ में बना हुआ, तो ये हमने उसके लिए लिया था। इस तरह के और भी बहुत सारे लोअर्स लिए थे हमने उसके लिए, जो विंटर्स में उसने पहने भी हैं, अभी भी पहन रहे हैं। नेक्स्ट हमने उसके लिए कुछ ग्लव्स ले लिए थे पहनने के लिए, तो एक सेट ये लिया था ग्लव्स का, इसमें बहुत ही कलर्स हैं अच्छे अच्छे, और एक हमने सिंपल ब्लैक लिया था, ये वूलन है ये भी, और ये बहुत वार्म है, बहुत ज़्यादा वार्म है, ये हमने एक पेयर लिया था उसके लिए। एक थर्ड पेयर हमने ये लिया था, ये बहुत सॉफ्ट है, ऑल दो तीनों ही बहुत सॉफ्ट है, वूलन वाला ब्लैक इज़ द मोस्ट सॉफ्ट, दिस इज हिज फेवरेट, ये उसको बहुत पसंद है क्योंकि लाइट कलर है, ये उसको पहनना प्रेफर करता है, ये फलालिन टाइप है तो बहुत ही सॉफ्ट है, ये उसको बहुत पसंद है।
हमने बहुत सारी उसके लिए सॉक्स ले ली थी क्योंकि बच्चों के साथ ऑल दो सॉक्स नहीं पहनता, उसको बहुत मुश्किल पहनाना पड़ता है, बट आई ट्राई की वो सॉक्स पहने चाहे घर में हो या बाहर हो। हमने कुछ सॉक्स ली थी अलग अलग तरह की, हमने बहुत सारी सॉक्स ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं निकाल के, बिकॉज विंटर्स हो या समर्स हो बच्चों को सॉक्स चाहिए ही होती हैं। एक हमने नीली सॉक्स ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वूल की बनी हुई है, वूलन सॉक्स हैं ये, और नीचे इनके बना हुआ है जस्ट लाइक पैड्स हैं जिसमें वो शूज़ नहीं भी पहनेगा तो उसको डायरेक्टली वो ऐसे पहन के घर में चल सकता है। तो ये घर पहनने के लिए हमने सॉक्स ली थी, ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा वार्म है, ये आप हार्श विंटर्स में भी पहना सकते हो बच्चों को। ये इस तरह के ये रेडीमेड हैं, बनवाई नहीं हमने, रेडीमेड शूज जैसे होते हैं बूट्स, उस तरह की सॉक्स हैं, बनी बनाई हमें मिल गई थी। और नाउ जैकेट्स वगैरह जो हमने ली थी उसके लिए, एक ये जैकेट है, ये उसके मामू ने गिफ्ट की थी उसको जम्मू से ला के, ये और दो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं तो ये उनमें से एक है। ये हाफ जैकेट है जो हम उनको लाइट समर में उसको पहना सकते हैं। दिस इज अगेन अ डिफरेंट जैकेट, ये जैकेट बाहर से आपको बेडशीट की तरह दिखेगी जो उसको हवा से प्रोटेक्ट करती है, और अंदर से इसमें फर है, डीप बहुत ही डेंस फर है, तो ये बहुत अच्छा है। ये मैं तब पहनती हूँ जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो बैठ के उसको ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लेती है। इसमें आपको ज़्यादा कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं, थोड़े से कपड़े पहना के इसमें ये पहना देते हैं ऊपर, तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर, ऑल्दो इसमें कैप नहीं है बट मैं ऊपर से इसको दूसरी कैप पहना देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी है ज़्यादा ठंड के लिए। नेक्स्ट है ये वाली जैकेट, ये उसको बर्थडे पहनी थी, ये डायनोज बने हुए हैं इसके ऊपर, डायनोज आजकल उसको बहुत पसंद आते हैं, ये डायनोज बने हुए हैं इस पर बहुत सारा, अगर आप देख सकते हैं तो ऑल ओवर इस पर डायनोज ही बने हुए हैं। ये जैकेट है, इसमें कैप भी है, इसमें भी सॉफ्ट फर है, और ये ऑल ओवर जब मुझे बाहर कहीं जाना होता है तो हम ये भी उसको वेयर करा देते हैं। एक मिनट इसके लिए ये लिया था, ये एक होली जैसा है, बहुत ही हाई, बहुत ही नियॉन शेड है, बहुत ही अच्छा है उसके ऊपर। एक बार उसने पहन ली बर्थडे पार्टी में, बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए ये कॉलर अप है इसकी, और ये बना हुआ है कि कॉलर ऐसे ही रहता है तो नेक को भी कवर कर लेता है बच्चे का। इस पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत ही नाइस सा है, सूदिंग कलर, इसको बहुत अच्छा लग रहा था जब उसने पहना था, तो साइड पॉकेट्स में छोटी छोटी सी ये, और इसके साथ हमने लिया था ये लोअर, बेसिकली ये लोअर नहीं है जॉगर है, ये जॉगर ग्रे कलर का, तो इस पर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। नीचे उसने स्नीकर्स पहने थे इसके साथ ब्लू शेड के जब बर्थडे पार्टी में गया था, तो ये बहुत सारे हमने शॉपिंग करी थी, और एक हमने ये ख़रीदा था उसके लिए। तो आपकी जैसे कभी वैसे नॉर्मल कैजुअल गैदरिंग में अगर जाना हो तो ये पहन के जा सकता है, ये स्मार्ट भी है, और ये देखिए शर्ट है, थोड़े से फ्लारी फ्लारी प्रिंट्स बने हैं छोटे छोटे से, और ये इसका वेस्ट कोट है, चेक्स हैं ब्लू चेक्स इसके ऊपर, और पीछे से ये बेल्ट भी है अगर हमें लूज या टाइट कुछ करना है तो। दिस इज़ वेरी वेरी स्मार्ट पीस, इसकी इसमें ये भी देख सकते हैं, तो ये बहुत स्मार्ट पीस मैंने लिया था इसको, जैसे कभी कैजुअल पार्टीज में जाना है या हम जैसे आउटिंग पे जा रहे हैं कहीं किसी गेस्ट के घर पे वैसे जाना है कुछ स्पेशल गैदरिंग के लिए, तो हम ये इसको वेयर करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हमने आज के लिए शॉपिंग किया था इस विंटर के लिए, और कुछ शूज़ भी लिए थे जो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, ये उसकी शॉपिंग इस विंटर्स के लिए थी, तो स्टे ट्यून, अभी और भी जो भी हम चीज़ें उसके लिए खरीदेंगे या लेते रहते हैं या जो भी हम चीज़ें उसके लिए करते हैं, आई जस्ट वॉन्ट की वहाँ आपके साथ शेयर करते रहे। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लेके आएंगे टाइमली, तो आपको मिलती रहे बच्चों के लिए और आपके लिए भी, पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मम्मीज के लिए भी। सो स्टे ट्यून, आपको अच्छा लगेगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से।